पीछे हो जा पीछे हो जा। पहले यार नहीं रहता बाद में कंपनी की ओपनिंग है पिक्चर की नहीं आज प्रोडक्शन प्रोडक्शन नंबर टू का आज ओपनिंग हुआ है और हमारे भोजपुरी के लिए एक और नई बड़ी कंपनी आ रही है और आज कर ही आ ही गई है। आज से हम लोगों ने ओपनिंग किया है और हमारी तरफ से और पूरी भोजपुरी समाज के तरफ से भैया के लिए वेलकम है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो हम बेहतर सिनेमा कर पाएंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश करके अपने भोजपुरी को जिंदा रखा है। तो ऐसे ऐसे जब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी फायदा होगा और भोजपुरी समाज को फायदा होगा हमारी भाषा को फायदा होगा। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे अच्छा से लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है अपना को बहुत लगेगा। खेसारी जी अशोक जी मेरे ख्याल से इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी तीन तीन फिल्में देने जा रहे हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आने चाहिए? एक्चुअली मैं अशोक भाई से मैं जब पहली बार कल ही मिला था और कल मिलने के बाद मुझे नहीं लगा कि हमारे भाषा से नहीं है क्योंकि तो इतना प्यार मिला मुझे इनके ऑफिस में जाने के बाद कि लग रहा था कि एक बड़े भाई के ऑफिस में एक छोटा भाई आया है। तो ये हमारे लिए प्रोड्यूसर नहीं एक बड़े भाई की तरह भूमिका में है और हमारे भाषा के ना होके भी हमारी भाषा के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशोक भैया के अशोक भैया के टीम के जितने लोग हैं सब बधाई के पात्र हैं क्योंकि इन लोगों ने हमें सोचा है और हमारे भोजपुरी भाषा के लिए सोचा है तो कहीं ना कहीं ये गार्जियन स्वरूप है भोजपुरी के लिए। और खत्म हो गई का और सवाल बात वर्षीय पूछ लो अरे हाँ मेरी छह फिल्में हैं जो डबिंग बाकी है फिल्मों का डबिंग हो भी गया है जो 2 तारीख को एक सिनेमा रिलीज हुई है दोनों से जाकर रखना मेरा और मरपाली जी का सारके म्यूजिक से लॉन्चिंग है उस सिनेमा का 2 तारीख को ऑल ओवर इंडिया लग रही है उस सिनेमा कई जगह तो मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है तो हमारे लिए खुशी की बात है। और सारी सिनेमा है जैसे मैंने लालू सर का किया है छठी ये 7वीं फिल्म होगी ना फिर 7वीं फिल्म इनके साथ में कर रहा हूँ लालू पंडित जी के साथ इनकी भी एक फरिश्ते फिल्म शूट हो गई है बस डबिंग बाकी है उसका दोनों से जाकर रखना रिलीज पे है 2 तारीख को। उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि लाइन अप है हमारे विजय यादव जी का एक प्रोजेक्ट है हमारा बोल रहा था बोल वो भी रिलीज पे है राजा की आएगी बरात रिलीज पे है। उसके बाद एक और सिनेमा है 6 सिनेमा है अंदाज है तो लगातार सिनेमा है जो कि रिलीज पे है सबका डबिंग बाकी है तो धीरे धीरे सब लोग हमारे मैं आ गया तो पूरी भोजपुरी आ गई नहीं नहीं देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ कुछ मिलेगी तो मैं जरूर करूँगा कि मेरे लेवल की चीजें होनी चाहिए मैं जहाँ हूँ वहाँ तो राजा नहीं ना तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं बाकी अदर लैंग्वेज के लोगों को अपनी भाषा में लेके आऊँ और वो लोग भी यहाँ काम करें और हमारी भाषा को जो प्राथमिकता मिलती है उससे भी ज्यादा मिले तो मेरी कोशिश यही है।
अब कितना नजर आएगी, कम से कम इस मूवी में तो आई ही थी। सबका एक टाइम होता है, सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमसे दूर है, हम उनसे दूर है। हमारी भाषा में जो जो लोग काम कर रहे हैं सब एक दूसरे के पूरक है। सबका एक समय होता है, टाइम होता है, समय के साथ सब कुछ होता है, समय के साथ ही इंसान को चलना भी चाहिए। तो जब समय आएगा तो फिर करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना है। किशन जी, हाथ कोई बोलो माया नगरी है, अगर कोई क्या बन जाता है किसी को नहीं पता, कोई ऐसा आपका सपना है जो पूरा नहीं हुआ आपकी फिल्म लाइन भी, इसके साथ मुझे काम करना है अमिताभ, शाहरुख, सलमान, कोई ऐसी फिल्म है? मैं सपना नहीं देखता जी, मैं सपने में जीने वाला आदमी हूँ। फिर भी कोई ऐसा ड्रीम नहीं, मेरा ड्रीम है ही नहीं, मेरा ड्रीम एक ही है कि मुझे काम करना है। बॉलीवुड में किसके साथ, अगर आपसे मैं पूछता हूँ बॉलीवुड में आपका फेवरेट स्टार कौन है, आप काम करना चाहेंगे? हमारे लिए बॉलीवुड जब देखा जाए तो हमारे लिए रवि किशन ही हमारे लिए बॉलीवुड है, हमारे मनोज तिवारी ही है, हमारे रवि आपके दिनेश लाल यादव ही। अक्सर सलमान शाहरुख से परहेज की बात? नहीं नहीं, परहेज मुझे किसी से नहीं है। एक्चुअली देखिए, सबसे बड़े जो सपने हैं, जो चीजें हमारी है, जहाँ मैं हूँ उस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा थोड़ी कि सलमान सर से मैं नहीं मिला, उनसे भी तो मिला ही हूँ बिग बॉस में। ठीक है, अब काम करना नहीं करना, मैं चाहूँ वहाँ तो कर ही रहा हूँ। और मुझे अपने भाषा में ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इसी मिट्टी ने मुझे इस लायक बनाया है जहाँ आप सवाल कर रहे हैं। इस लायक अगर मैं बना हूँ तो मेरी मिट्टी ने और मेरे भाषा के लोगों ने मुझे इतना बड़ा दिया है। तो मैं सपना भी देखता हूँ, तो भोजपुरी में 35 करोड़ जनता है, 8 करोड़ जनता लेकर अगर तेलुगु फिल्म आज पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकता है, तो हम 35 करोड़ जनता लेकर राज नहीं तो कब राज करेंगे? तो इसी में हम कोशिश करेंगे कि हम 35 करोड़ जनता को अपना सिनेमा दिखा दे और 35 करोड़ जनता को अपना गाना सुना। बॉलीवुड में कौन सी फिल्म नजर आएंगे कभी बॉलीवुड? देखिए, जब समय आएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा, मेरे बोलने से थोड़ी होता है। मेरा अभी लाइनअप जितना भी है भोजपुरी का है, मैं बॉलीवुड और हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल। हाँ, कल एक गाना मेरा रिलीज हो रहा है तीसरी से, आज तो एक हुआ था ब्लॉक हो गया, लेकिन क्या करिएगा, ठीक है चलते रहता है। एक मटक मटक मैंने किया था, वो भी ब्लॉक हो गया, तो ठीक है। अगर मैंने सब बनाने वाले लोग हैं तो काम भेजने वाले भी तो लोग धरती पे ही है। आगे मैं हूँ तो टारगेट कौन होगा? तो आगे मैं हूँ तो अच्छे बताओ, जिस डाल पे फल होता है पत्थर तो वही चलते है ना। लोगों का प्यार है कि मुझे इतना बड़ा बनाया सबने, मेरे जीवन के हर पल जो भी है, मुझे लगता है कि मेरी जनता ही सब कुछ है और मेरी जनता मुझे प्यार करती है। 2-4-5 लोगों के नाम खींचने से मेरे जीवन खराब थोड़ी होने लगी, नहीं मैं बर्बाद होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मैं मेहनत करना जानता हूँ। और जब तक आप मेहनत करिएगा, ये भूल जाइए आज जो नफरत कर रहा है, आज नहीं तो कल आपसे वो प्यार करेगा, बशर्ते आप अपना काम करें। अभी एक सीनियर है मेरे यहाँ, जाएंगे उसके बाद में।